वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम भाइयों का। उम्मीद है सब मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी अच्छे होंगे। भाइयों आज छत पर आया हूँ माशाल्लाह से। अभी तो मैंने आज जो है अभी फर पटाई करनी है। आज मैंने मादियाँ पकड़ के देखी हैं हाथ में, चेक कर रहा था इनके पर वगैरह, मोल्डिंग वगैरह की सिचुएशन कंडीशन सब। तो मैंने सोचा कुछ मादियाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी हैं, पट्टियाँ 10 पर साफ होकर, तो सोचा आपको शो कराऊं। और एक पट्टी मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, अभी इसकी 10वीं कली माशाल्लाह से फुल हो रही है। तो मैंने कहा चलो आपको कोई 4-5 मादियों का शौक कराता हूँ जो 10 पर साफ होकर आई हैं। तो सबसे पहले ये पट्टी है माशाल्लाह से, तो शौक करें, डबल आंख है ये आंख इसकी ब्लैक है, ये येलो है, ये इसका कलर है। अभी क्रीस में लगी हुई है कुछ, बाकी कलियां माशाल्लाह से सब न्यू ला रही है। दुम इसकी चेक करें माशाल्लाह से, बिल्कुल छोटी सी टेल, एक पत्ते पे दुम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फड़क रही थी बचपन में। तकरीबन 6 कली तक ये उड़ी है और उसके बाद मैंने काट दिया था इसको, और अभी माशाल्लाह से इसकी ये 10वीं कली का शौक करें यहाँ तक पहुँची है। ये इसके परों की बनावट है माशाल्लाह से, अंदर की तरफ कर्व हो रहे हैं, देखें आखिर के पर अंदर की तरफ कर्व हो रहे हैं और 7वीं 6ठी कली देखें बाहर की तरफ कर्व हो रही है माशाल्लाह से। परों की तीली का शौक करें, बिल्कुल बारीक पतली, और पर जो है ना बड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का पर है इसका। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी पट्टी बनी है ये। मैंने कहा चलो आज मैंने भी बहुत टाइम के बाद इसको, करीब 2 महीने से ऊपर ही हो गए इसको आज हाथ में पकड़ा। तो माशाल्लाह से ये पट्टी है, ये इसके पंजों का शौक करें, बिल्कुल खुश पंजे, साफ सुथरे जैसे परवाजी कबूतर के होने चाहिए माशाल्लाह से। और छोड़ता हूँ उसको, ये देखें ये इसका कलर है पूरा, ठीक है। बाकी इस तरह ये आगे ऊपर, और अभी और भी 2 पट्टियों का शौक कराता हूँ आपको जो 10 पर साफ होकर आ रही है इसके साथ। अच्छा इसके अलावा एक पट्टी ये है, एक ये जो सिरी पट्टी मैंने पकड़ी है मेरी काली नोक वाले ब्रीड में से, और माशाल्लाह से ये भी बहुत कमाल पट्टी बनी है, मादी बन गई है बहुत प्यारी। इसको इंशाल्लाह ब्रीड में लेके जाऊंगा आगे, इसका शौक करें माशाल्लाह से। जो सिरी है लाइट, ये फुल सिरी, इसकी आंखों का शौक करें, चेक करें माशाल्लाह से, पलके चेक करें, चोंच का कलर चेक करें, बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह से। दुम देखें माशाल्लाह से, बिल्कुल एक पत्ते पे दुम है, ठीक है। वैसे पट्टी वालों में इतना मैटर नहीं करता दुम का ना, उड़ते सभी हैं, बस एक खूबसूरती के लिए होता है, और ये लोगों ने एक बात बना दी है कि ऐसे हों वैसे हों पर हों दुम हों, ब्लड लाइन मैटर करती है। इसके पंजों का शौक करें माशाल्लाह से, बड़े स्पेशल पंजे हैं इसके। नाखूनों की लेंथ चेक करें इसकी, अभी इसके नाखून कुछ टूट गए हैं, इसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे माशाल्लाह से, पर देखें पंजे बिल्कुल खुश्क हैं इसके, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पट्टी बनी है। कली इसकी भी ये देखें 10वीं कली यहाँ तक पहुँची है, और ये इसके पर हैं माशाल्लाह से, जिस ये अकेला बंदा हूँ जितनी दिखा सकता हूँ ट्रांसपेरेंसी पर में, आप देख लें आपको आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त परवाज़ के मालिक कबूतर हैं ये, और ये सब रिजल्टेड कबूतर हैं मेरे, नस्ल दर नस्ल ये उड़ते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी है, एक ये देखें माशाल्लाह से, ये दोनों साथ ही आ गई जो मैंने भी पकड़ के आपको शौक कराया।
और अब इंशाल्लाह तीसरी फीमेल पकड़ता हूँ मैं। और ये बड़ी जिद्दी है, ये भी इनके पास आ गई लेकिन ये पकड़ने नहीं देती, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना, बट ट्राई करते हैं। ये ना बड़ा तंग करती है पकड़ना में। चले भाई फाइनली हाथ में आ गई है, लेकिन ये तंग बड़ा करेगी वीडियो में। बहरहाल जितना हो सकता है उतना मैं आपको शो कराता हूँ उसका। अच्छा ये पठी है माशाल्लाह से, शौक करें उसका। ये काली आंख की बनी है जबकि इसके माँ बाप दोनों येलो आइज थे। ये मको बन गई है माशाल्लाह से, और बचपन में ये गर्दन से पूरी लाल थी, अभी झाड़ के ये फीमेल बनी है माशाल्लाह से। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा उड़ी थी, दुम देखें इसकी भी माशाल्लाह से बिल्कुल बंद दुम एक पत्ते पे। कलियाँ इसकी माशाल्लाह से ये देखें, इसकी 10वीं कली भी पूरी हो गई है, इसको भी निकालूंगा इंशाल्लाह। दूसरों की भी आ जाए ना फिर साथ निकालना शुरू करूँ, क्योंकि 10 पर हुए हुए कबूतर को ज़्यादा अरसा में रोकता नहीं हूँ। 10 पर साफ़ कर जाएँ तो फिर इनको निकालना भी ज़रूरी है, ताकि इनको पता रहे कि हमारा बेसिक मकसद उड़ना है जब भी हमने निकलना है। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बनी है, ये भी बहुत खूबसूरत। पंजों का शौक करें माशाल्लाह से, इसके भी देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे खुश पंजे। अच्छा ये फीमेल्स हैं, इनमें इनके पंजे ऐसे होते हैं लाइट, और इनमें जो मेल्स निकलते हैं उनके पंजे जो है ना डार्क कलर में होते हैं, जामनी कह लें ब्लैक कह लें, डार्क कलर के पंजे निकालते हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, और बहुत कड़वी है ये, बहुत ही तंग करती है उनको, बहुत अरसा हो गया मैंने पकड़ा भी नहीं है, 10 पर साफ हो करा नहीं। ये देखें माशाल्लाह से। और अभी इसी की एक और बहन है, ये दोनों एक ही झोल की हैं, ये आपको उसका शौक कराता हूँ। वो अपने उसने अपनी आँख मकोनी की, इसने अपनी आँख जो है येलो ही रखी है जैसे इनके माँ बाप की है। बहरहाल ये वाइट आँख भी निकालते हैं बीच में, ये वाइट आइज भी निकाल देते हैं और डार्क आँख भी निकाल देते हैं येलो में। लेकिन ये अपनी हूबहू अपनी माँ की फ़ोटो कॉपी है, इसका शौक करें माशाल्लाह से। इसकी आँख देखें, इसकी लाइट आँख है, और इसकी आँख माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत आँख है, येलो आँख है लेकिन खूबसूरत आँख है। देखें ये इसकी सगी बहन है, दोनों एक ही झोल की हैं, जो भी आपको दिखाई है दोनों पट्टियाँ बनी हैं। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि जो अक्सर जो अच्छे जोड़े होते हैं ताव बनना, उसमें दोनों पट्टियाँ या दोनों पट्ठे निकलते हैं, मोस्टली ज़्यादा पट्टियाँ निकलती हैं। जिस जोड़े की ज़्यादा पट्टियाँ निकलती हैं एक ही झोल में, वो ज़्यादा परवाजी होती हैं, और वो जोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा जो है ना आपका ताव बैठा होता है उस जोड़े का। ये माशाल्लाह से देख रहे हैं इसकी आँखें बिल्कुल बाहर भी आ रही हैं, आपको यूँ से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि बाहर बल्ब की तरह बाहर भी निकली हुई हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी है ये भी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी, आगे ये टूर्नामेंट छोड़ेंगी। और ये इसके पंजों का शौक करें, देखें इसके नाखूनों को शौक करें माशाल्लाह से। इसके पंजों का कलर भी दूसरी से डिफरेंट है, और नाखूनों की लेंथ भी देखें बड़ी है माशाल्लाह। ये परवाजी कबूतर बॉडी भी देख लें आप, इनकी क्या बॉडी है, वेट वगैरह नहीं होता इनका, जिसम में पर ही पर रहे हैं। और ये माशाल्लाह से इसकी 10वीं कली भी पूरी हो चुकी हुई है, तो अभी निकल नहीं रहे, थोड़े गंदे भी हो रहे हैं इसी वजह से, बंदे कबूतर अभी भी बहुत जिसम से पर बहुत फैल रहे हैं, पुलिस में लगे हुए हैं माशाल्लाह से। ये भी आपको तकरीबन 3 पट्टियों का शौक करा दिया मैंने, 4 का, और 4 पट्टियों का आपको शौक कराया जो 10 पर साफ होकर आई हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारी बनी है। और आगे देखते हैं इंशाल्लाह इनका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या रिस्पांस आता है। एक पट्टी आपको और शौक कराता हूँ, ये भी बड़ी स्पेशल पट्टी है, ये उड़ेगी नहीं, ये इंशाल्लाह ब्रीड के लिए रोकी हुई है, ये ब्रीड के लिए रोकी हुई एक पट्टी है, आपको उसका भी शौक कराता हूँ। इसने मेरा ख्याल है अभी 10वीं कली फेंकी भी नहीं है, ये इसका शौक करें, ये जोंसरी पट्टी है माशाल्लाह से, हाथ में रोके नहीं रही, ये इंशाल्लाह ब्रीडिंग में जाएगी। उड़ी भी ये भी है बचपन में, लेकिन इसको बस एक जो है ना नाम दे दिया था टाइटल, कि ये ब्रीडिंग में ही जाएगी इंशाल्लाह। इसकी दुम का शौक करें माशाल्लाह से, देखना
एक पत्ते पे दुम है, परों का शौक करे। हाँ ये देखे, अभी ये 10वीं कली फेंकेगी। ये भी माशाल्लाह से मेरी काली नोक वाले कबूतरों में से है, और इसके पंजों का शौक करे। बहुत ही ज़बरदस्त पट्टी है ये भी माशाल्लाह से। ये कलर जो है ना, ये कम ही निकालते हैं, इसलिए इसको मैंने ब्रीडिंग के लिए रोका था। तो इसका बाप जो है वाइट आइस का है, माँ इसकी येलो आइस की है। कलर इसने मोस्टली अपने बाप का पिक किया है, और आँख इसने अपनी माँ की पिक की है। माशाल्लाह से ये भी जगह कैसे सिमट गई हाथ में। बड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की छोटी सी कबूतरी है, बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट की। देखें इसका स्ट्रक्चर, देखें बॉडी स्ट्रक्चर, खड़ा होने का स्टाइल देखें। तो ये चलो 4-5 पट्टियाँ मैंने आपको शौक कराया इनका। बाकी इंशाल्लाह, एक ये सामने भी पट्टी बैठी, ये भी 10 पर साफ होकर आई हुई है। अभी इसका शौक इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, और अभी इनको निकालना शुरू करना है इंशाल्लाह। तो फिर जैसे जैसे इनको उड़ाना शुरू करूँगा, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है भाई, वो वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दुआओं में याद रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खुदा हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें।